नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एबी रोड पर देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नशे में धुत लड़कियों की कार ने स्विगी के डिलीवरी बॉय को टक्कर मारकर उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। इस हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। कार ड्राइव कर रही लड़की ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे ठीक से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी तीन दोस्तों का भी यही हाल था। हादसे के बाद भीड़ ने चारों लड़कियों को घेर लिया, कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने उन्हें छुड़ाया और थाने ले गई। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है, जहां नशे में धुत लड़कियों की कार डिलीवरी बॉय देवीलाल को टक्कर मार दी। उसके बाद कार उसके सर पर से निकल गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देख लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शराबी लड़कियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। कार विजय नगर से ट्रेजर टाउन की ओर जा रही थी। उसके मुताबिक कार MIG में रहने वाली युवती गार्गी महेश्वरी चला रही थी। गाड़ी नितिन महेश्वरी के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके साथ उसकी तीन सहेलियां भी कार में थी। चारों किसी पार्टी से होकर आ रही थी और तीनों युवती नशे में धुत थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। घटना के बाद स्विगी के सभी डिलीवरी बॉय ने हड़ताल कर दी, क्योंकि कंपनी मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है। मृतक के छोटे छोटे दो बच्चे हैं और घर में कमाने वाला वो अकेला था। वहीं पुलिस ने भी मांग की है कि युवतियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। रात्रि करीब 11:30 बजे के करीब एक हेडर डाल से सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर एक व्यक्ति है जिनकी डेथ हुई है, वो मोटरसाइकिल से थे। उनके साथी ने FIR लिखवाई है। अभी उनका PM वगैरह करवा दिया गया है। सामने से कार में चार युवतियाँ थी। जो युवती जो है कार चला रही थी, उनको जो है जो प्रोसेस से गिरफ्तार किया जाता है, उनको जमात मुचलके पर रिहा किया गया है। विवेचना जारी है। उसमें हम लोगों ने मेडिकल करवाया है और क्योंकि क्वांटिटी वाली बात कुछ आ नहीं रही है, यह जरूर है कि स्मेल जो है वो बताई जा रही थी, उसके आधार पर धारा बढ़ाई गई। इसमें चूंकि बच्ची का लाइसेंस नहीं था तो पिता को नोटिस देके वो कार्रवाई की जाएगी, जो कि मोटर व्हीकल के एक्ट के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत आती है। जोन का राइडर हूँ, स्विगी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे बीच में हमारा एक देवीलाल भाई था जो हमारे साथ काम करता था, स्विगी में फूड डिलीवरी करता था। हमको कंपनी पहले 30 रुपये पे आउट देती थी, अब जाके वो 20 रुपये 15 रुपये देती है। कल बेचारा वो एक ऑर्डर डिलीवर करने गया तो 10-20 रुपये कुछ उसको मिले होंगे उस ऑर्डर के, और उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे और उसी समय उसकी मौत हो गई है। और अभी उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, बीवी है और वो कमाने वाला अकेला भाई था। एक वो अकेला उसके घर में कमाने वाला था और कोई नहीं है, और वो गांव का रहने वाला बाहर का, और कंपनी उसकी कोई मदद नहीं कर रही है, यही कारण है। इसलिए हम लोगों ने सबने हड़ताल करी है। और मेरा ये कहना है सभी भाइयों से और सबसे कि भैया उसको जो भी क्लेम मिले कम से कम उसको ज़्यादा पैसा मिले, ताकि उसका परिवार और जो भी फैमिली है उनको बेचारों को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो तो हमारे बीच अब रहा नहीं। जो भी है तो हमारा बस यही निवेदन है कंपनी से, उसको जो भी मिले, मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह है वो उसको मिले। और चार लड़कियां थी, थाने में कार्रवाई ये हुई है। हम लोग गए थे वहाँ पे, हम सारे लोग गए थे, कम से कम हम 150 से 200 राइडर गए थे वहाँ पे। हमने TI से बात की है, उन्होंने बताया भैया FIR वगैरह सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, आप जाइए जो भी धारा है हम लगाएंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। पर प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जब एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पे वो मर गया, फिर भी उसे रात को ही छोड़ दिया गया है, वो लड़कियों को रात को ही छोड़ दिया गया है, तो उसका कारण क्या है? अगर हम लोग अगर कभी कोई सिग्नल तोड़ते हैं तो उसको वहीं पे बिठा लिया जाता है 1-2 घंटा। तो पुलिस की क्या कार्रवाई है कि भैया उनको उसी वक्त क्यों छोड़ा गया, लड़का हो या लड़की हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि भैया कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर उनको मतलब बेल पे छोड़ दिया, अगर कभी हम कोई ऐसी हरकत करते, हमारे से कोई मार मुरा जाता, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हम लोगों को एक दिन क्या साला सालों साल तक वो बाहर नहीं आने देते। थाने वालों ने छोड़ दिया, मेडिकल भी नहीं किया। चार लड़कियां थी, वो चार लड़कियां थी, उन्होंने शराब पी रखी थी। हाँ, चारों लड़कियां नशे में थी। विजयनगर से पार्टी बना के आ रहे, विजयनगर से वो लोग आ रहे थे। लड़कियां शराब पी हुई थी और उन्होंने मतलब हमारे तेज गति में उनकी कार थी, और हमारे स्विगी का एक डिलीवरी बॉय है जिसके साथ ये घटना घटी है। तो यही हमारा कहना है कि उसको न्याय मिले, क्योंकि हम सब उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकित हुए हैं, और लड़कियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बड़ी से बड़ी की जाए, क्योंकि आज हम लोग सब घर परिवार वाले बंदे हैं यहाँ पे। किसी का कोई बच्चा है, कोई कुंवारा है, कोई माँ बाप वाला, कोई क्या है, हर कोई बंदा इस लाइन में काम कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचे और सब लोगों को पता चलना चाहिए कि स्विगी, जोमेटो, उबेर और ऐसी जो भी कंपनियां हैं फूड डिलीवरी,
इनके राइडरों के ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग ठंड बारिश गर्मी हर समय में कंटिन्यू 365 दिन हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारा मेरा नाम अजय कुमार भमोरे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।